घर वाले पैसे वैसे दे रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर लो। देखो वो बात हम बता रहे थे। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों ने जो मुझे प्यारा प्यारा कमेंट किया है उससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिला, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने कुछ नई सोच लेके फिर से मैदान में उतरी हूँ, लिख रही हूँ स्टोरी। अब देखती हूँ इस स्टोरी को कितना ज़्यादा प्यार मिलता है। फिलहाल अभी इसको बताऊँगी नहीं, पेंडिंग में है, अभी लिखा जाएगा, शूट होगा, फिर किस चैनल पर पड़ेगा ये भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। देख लीजिए गर्मी कितना हो रहा है, एक करकट है ना, बहुत ज़्यादा उबल रहा है और धूप भी है काफ़ी तेज से। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। क्या होता था ना, जब वो खिचड़िया वाले में पढ़ने जाती थी तो बैग हुआ खिड़की से फेंक के भाग जाती थी। एक मेरी सहेली थी, उसका नाम नहीं बताऊंगी, वो इस काम में मेरे को सपोर्ट करती थी। क्या होता था, एक ही मेरा ड्रेस पहनती थी, उसके साथ इंजॉय करती थी। वो दिन कुछ और ही था। जो लोग को कोई फेवरेट दोस्त होगा बचपन जिनके साथ गुजरा होगा वो लोग समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के चक्कर में मैंने कभी विषय बनाई नहीं थी, रब करती थी, सर कभी चेक करते थे तो ऐसे कभी किसी की कॉपी मांग के दिखा देना, या फिर लिखी रहती थी कोई कि आज सर पक्का चेक करने वाले हैं। तो ऐसे कर करके मैं बस्ती आई, बस्ती आई और इंटर पढ़ ली। मैंने विषय नहीं लिखी थी दोस्तों, मैं कभी कभी हंसी आती मुझे अपने आप के ऊपर। मगर वो दिन कुछ और ही था, उस समय ना कोई टेंशन था, ना कोई जिम्मेदारी थी, ना किसी चीज़ का फिक्र था। लेकिन एक बात सोचती हूँ, काश मैं उसी टाइम में टेंशन ले ली होती और जिम्मेदारी समझ ली होती जब घर वालों का सपोर्ट था, जब घर वाले पैसे देते थे, जब घर वाले ऐसे देते थे पैसे, बेटा जाओ खा लेना, बेटा गाड़ी से स्कूल भेज देते थे। तो वो सारी चीज़ें अगर मैं बचा के इकट्ठा करके रखी होती तो आज वो मेरे काम आती। तो मैं सभी को कहना चाहूँगी ना, जिनके भी मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ने में, वो लोग प्लीज़ फालतू की चीज़ों में अपने टाइम को ख़राब ना करें, उसका फ़ायदा उठाएँ और पढ़े लिखें। क्योंकि एक बार जो चीज़ चली जाती है हाथ से दोबारा नहीं मिलती है। अब अगर हमें कोई कहता भी है पढ़ लो ना, तो हमारा दिल नहीं लगता है और ऐसा चांस मिलता है नहीं कि जाके पढ़ लो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज, तो इसलिए मैंने देखी कैसा लिखी हूँ मैं। अभी मैं इधर दो ठो लिख चुकी, तीन स्टोरी लिख चुकी हूँ। और मेरा टारगेट है कि मुझे 10 ठो लिखना है, नहीं लगता क्योंकि अभी बर्तन भी धुलना है यार, बहुत सारा काम है, मैं तो परेशान हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ। एक दो दिन मोटी हो गई हूँ दोस्तों, मैं खाना भी कम कर दी हूँ मगर मेरे फिट नहीं रह पा रहे हो। तो एक्सरसाइज जल्दी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्या फ़ायदा एक्सरसाइज करने का, करने के बाद मुझे फिर कुछ ना कुछ ठूसती रहती हूँ, मेरा भी आदत बहुत गंदा है यार, खाऊँ ना तो मर जाऊँगी। मगर मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छी इसलिए हूँ क्योंकि बहुत लड़कियाँ हैं गोलगप्पे के बिना नहीं रह पाती, और मैंने उसे त्याग दी हूँ, उसे मैं भेज दी हूँ वनवास अपनी ज़िंदगी से, अब मैं उसे नहीं खाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी भी चीज़ें बहुत सारी सुधर गई हैं, धीरे धीरे सब बदल जाएंगी। मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, मैं भी क्यूटनेस अपना ज़रूर वापस लाऊंगी, मैं पहले जैसी थी वैसी हो जाऊंगी। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि अभी मैं स्टोरी लिख के जाती हूँ, क्या क्या करती हूँ वो भी आप लोग देखिएगा, और आप लोग के कमेंट का कितना बड़ा असर है मुझ पर ये भी आप लोग को पता चलेगा इस ब्लॉग के जरिए। पहले दोस्तों मैं 10 छोड़ तो नहीं बोलूँ, मैं 5 स्टोरी लिख ली, और लिखने के बाद मैं थक गई हूँ और मैं ऐसे सो जाती हूँ। मैं कोई भी काम करती, चाहे वीडियो बनाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो एक गद्दा मेरे लिए एडवांस रहता है, मैं वहां से थक के आती हूँ तुरंत ऐसे पड़ जाती हूँ यहाँ पे। और ये है पगली आके मेरे को परेशान कर रही, कह रही दीदी कल मुझे स्कूल जाना है, सुबह कौन टिफिन तैयार करेगा, कौन करेगा। तो मैं इससे बोल रही हूँ कि तुम खुद करना, इतना काम तो तुम खुद कर सकती हो ना, कर सकती हो कि नहीं बोलो। अभी तुम्हारे घर वाले पैसे वैसे दे रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर लो। देखो वो बात हम बता रहे थे, हमको पहले जब मिलता था तो हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किए, इंजॉय किए, बस आज पछता रहे हैं। सोचो इधर सुनो दोस्तों, ये बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। लिख के अब हम जा रहे हैं नीचे, वो बाटा लेके आना ठीक है, नीचे जाके अभी हमें बर्तन धुलना है, अभी खाना भी बनाना है, चल चलते हैं। दोस्तों देख सकते हो ना, अभी आप मेरा पूरा ब्लॉग देखेंगे तो ये तो सारी चीजें समझ आ जाएगी। इतना यहाँ पे इतना सारा बर्तन, गैस साफ करना है, इतना सारा काम करना पड़ता है। काम करने के साथ साथ वीडियो बनाती हूँ, ऐसे ही मेरे आंसू नहीं टपक रहे थे, ऐसे ही मैं नहीं परेशान थी, ठीक है। तो दोस्तों इनके ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है, कैसे हैं आप लोग। ये मिर्ची है ना, जहाँ पड़ जाती है उसको पूरा तीखा तीखा चटपटा बना देती है मेरी बहनिया। काम में हेल्प नहीं करेगी, चल मैं दोस्तों ये रह रही है मेरे साथ, काफी अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ साथी रहती है, सबको दिन भर हंसाती रहती है, लेकिन काम धाम कुछ नहीं करती है दोस्तों, इसलिए इसको साइड करते जाओ। छोटे पैकेट लगा
बैंडेज। अच्छा इसको बैंडेज बोलते हैं। हाँ। तो मेरा मेरे उंगल में ना वो चाकू से में मतलब फिंगर में यार जो भी बोलो। चलो वीडियो ना ही अभी स्टोरी लिख के अभी थक गई बर्तन धो ली खाना भी तो बना होगा। अरे खाना बाद में बनाई। चल चिपका तुम्हें चिपकाना पड़ेगा रुको चिपकाना पड़ेगा तुम मोटो मोटो मेरे भाई क्या हो गया यार अब छोड़ जिसको अब आप तो बन लिए दोस्तों एक को हो इसका भाषा मुझे बहुत अच्छा लगता है गोरखपुरिया भाषा है आप लोग समझ जाएंगे गोरखपुरिया ए गोरखपुरिया भाई यहाँ से दोस्त आप लोग बिल्कुल भी नहीं करूंगी आप लोग के साथ ही इंजॉय भी करूंगी काम भी करूंगी मस्त भी रहूंगी कोई नो टेंशन नो फिकर। दोस्तों आप पर इतना शरारती है ना इसको सच बताना जब हम लड़के मिल के कभी इसको पीटेंगे। दोस्तों दरवाजा बंद कर दिया आप देखिए जब दरवाजा बंद करके चला गया है अंत में तेज गर्मी हो रहा है इतना तेज गर्मी हो रहा है सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसके मूड में जो आता है वो करता है लड़का छत से स्टोरी जब से लेकर तब से पसीना हो रहा है गर्मी 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 अरे डोंका भूल लो।